हेलो गाइस, दिस इज द रोहित। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल लॉ का। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन होता कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। फॉसिल ऑयल्स ये होते हैं, ये रिन्यूएबल नहीं होते। ठीक है, एक बार यूज हो गए तो ये समझ लो ये रिन्यूअल नहीं होंगे। जैसे कि कोयला, एक बार यूज हो गया तो दोबारा थोड़ी ना यूज हो जाएगा। जैसे कि तेल, प्राकृतिक गैस, इसमें पेट्रोल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये रिन्यूएबल नहीं होते, मतलब दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। देखो, एनर्जी फ्लो इज, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, तो वो होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि द्विदिशात्मक। ठीक है, इसमें ऑल अराउंड पे टिक मत लगा देना। ठीक है, ये द्विदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है। देखिए, लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमेक्स। क्या होता है क्लाइमेक्स? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल, घास के मैदान और टुंड्रा क्षेत्र के उदाहरण हैं। टुंड्रा क्षेत्र के, इन देखो ये किस में इंक्लूड्स होते हैं, ये होते हैं बायोस में। ठीक है, बायोम्स में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रभाव आकलन का अर्थ क्या होता है, द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स। तो देखो, पर्यावरण जैव भौतिक विशेषताओं का अध्ययन जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, या परियोजना की संभाव्यता का अध्ययन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा जो 2A है के अनुसार पर्यावरण को संदर्भित करता है, तो 2A में क्या क्या दे रखा है ये पूछना चाह रहा है ये। तो जल, वायु, भूमि, या फिर अन्य जीव जैसे कि पौधे, सूक्ष्म जीव या संपत्ति, या फिर अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि, मनुष्य के बीच मौजूद है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी 2A सेक्शन पढ़ोगे ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, उसमें सब कुछ आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा अभिशमय अपनाया गया था। कौन सा अभिशमय अपनाया, कन्वेंशन, तो ये कौन सा अपनाया था, वियना, वियना कन्वेंशन। ये कब हुआ था, तो 22 मार्च 1985 में, 22 मार्च 1985 में वियना अभिशमय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर है, तो यूनेस्को की पूछ रहा है ये विश्व धरोहर कौन सी है इनमें से। तो ये है क्यूलेंडियो घाना राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में से नहीं है, हालांकि और भी हैं लेकिन ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनसीडी 1992 रियो डी जेनेरियो में किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो एजेंडा 21 पे किए गए थे, एजेंडा 21 में किए गए थे इस पे, यूएनसीईडी 1992। ठीक है, जो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया। ये तो वेरी 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 इजी हो जाना चाहिए आप सभी के लिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1974। अब मेरे को बताओ ये इनेक्ट कब हुआ था, तो 23 मार्च को हुआ था ये, इस चीज का ध्यान रखना, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पानी के अलावा किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने पर पानी को क्या कहा जाता है। अब पानी किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आ जाएगा तो सिंपल सी बात है वो प्रदूषित ही हो जाएगा ना, तो जल शुद्ध थोड़ी हो जाएगा, कैंट थोड़ी ना है,
कैंट की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। तो जल क्या हो जाएगा, जल प्रदूषीकरण, विघटन, डिसोल्यूशन भी नहीं होगा किसी के संपर्क में आने पर, और जल की ताकत थोड़ी ना बन जाएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अप्रैल 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित पन बिजली परियोजना डेडेडेस को बचाने के लिए निलंबित कर दिया। तो क्या निलंबित कर दिया था, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स को, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स को। सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट, ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था हमारा एमपी में, एमपी के होशंगाबाद में, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पर्यावरण जीवन समर्थित प्रणाली है। तो पर्यावरण में क्या क्या आता है, वायु भी आती है, जल भी आती है, भूमि भी आती है ना, सभी आता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑप्शन इज फॉर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है। तो देखो एयर पोल्यूशन क्या होता है, देखो उसके लिए विनिमय और मानक भी होनी चाहिए, यानी रेगुलेशन स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड। और यातायात योजना का संबंध यहाँ पे ये है कि जो गाड़ियों से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके बारे में, ठीक है, उससे हमारा जो है वायु प्रदूषण फैलता है बहुत ज़्यादा। और ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होगा तो उससे कम होगा, ठीक है, होता सीएनजी से भी है लेकिन कम होता है उससे। तो ये सभी है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतत विकास का अर्थ, सतत विकास का अर्थ, मानवीय आवश्यकता और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक तो ह्यूमन नीड्स हैं और एक संसाधन प्रदान करने की किसकी क्षमता, पृथ्वी की क्षमता, यानी पृथ्वी से जो प्राप्त किया जा सकता है और जो इंसानों की यानी ह्यूमंस की जो नीड है उनमें एक संतुलन बनाना, उनमें बैलेंस करना, और मानव की प्रगति, ये दोनों ही सतत विकास का अर्थ होती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जलवायु कारक है। तो जलवायु कारक में तो देखो दबाव भी होता है, नमी भी होती है, तापमान भी होता है, सभी होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे पता है कहाँ जाएंगे, लैटिन लैटिन लैटिन, लेकिन लैटिन नहीं है, फ्रेंच से हुई थी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बी ऑप्शन, क्योंकि लैटिन से काफ़ी वर्ड हमारे ड्राइव्ड हुए हैं, तो इट डज नॉट मीन के पर्यावरण भी वहीं से हुआ है, ठीक है, तो फ्रेंच से हुआ है ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला वन अधिनियम वर्ष 1900 डेडेडेस में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था। तो देखो सबसे पहला किया गया था 1865 में, 1865 में, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, और यही संशोधित होके अमेंड होके 1927 में आया था, ठीक है। अब ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये गलत बता रहा हूँ मैं, वरना इनमें से सही भी हो सकते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट कौन सा लगाओगे, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये एग्जामिनर ने भी लास्ट टाइम छोड़ दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत हमारे दे दिए गए थे बच्चों के लिए, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन इसके करेक्ट क्या हो सकते थे, 1865 या 1927, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। अब ये मत कहना ऑप्शन लगवा दो, कोई सा भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए। निम्नलिखित में से एक भारत में लागू होने वाला प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम है, कौन सा है भाई बताना मेरे को, कौन सा पर्यावरण अधिनियम ही तो होगा, पर्यावरण अधिनियम ही तो होगा। ये कब का आया था, 1986 में, और इसका जो, और ये जो अमेंड होके आया था 1999 में, अमेंडमेंट डेट भी याद कर लेना इसकी, 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनजीओ, एनजीओ का मतलब, अब देखो एलएलबी करने के बाद आप काफ़ी लोग एनजीओ के लिए भी काम करोगे, तो एनजीओ का तो पता होना चाहिए आपको, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर इसका मतलब जानना हो तो देखो इंग्लिश की तरफ आ जाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको, सही तरह से आप कर पाओगे, ऑप्शन को लगा पाओगे। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये, ठीक है,
पी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वायु अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो वायु अधिनियम में कितनी धाराएं बताओ जल्दी, 54 और स्केजुअल कितने? स्केजुअल को आप शेड्यूल भी कहते हो कई बार, ठीक है, तो अपना अपना सेंट है, कुछ भी कह लो, तो स्केजुअल भी कह सकते हैं, शेड्यूल भी कह सकते हैं, तो इसमें एक स्केजुअल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण के रूप में, अब देखो जो हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट है ना, एयर पोल्यूशन एक्ट, उसमें हमारा जो ध्वनि प्रदूषण को कब सम्मिलित किया गया था ये पूछ रहा है ये, मतलब वायु अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को कब सम्मिलित किया गया था, कौन से सन में सम्मिलित किया गया था, तो 1987 में, यानी कि 1987 में, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में अधिनियमित हुआ था, तो ये तो सभी को आपको पता ही होगा, ये तो 1981 में हुआ था, 1981 में, और इसकी इनेक्टमेंट डेट थी 29 मार्च, कितनी थी 29 मार्च 1981, और एनफोर्समेंट डेट थी इसकी 16 मई 1981, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु अधिनियम में कितने चैप्टर शामिल हैं? तो वायु अधिनियम में अभी चैप्टर हैं हमारे सेवन चैप्टर, कितने सेवन सेक्शन मैंने अभी आपको बताए थे, कितने 54, स्क्वायर जो है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? कीटनाशक भी होते हैं, मानवीय गतिविधि भी होती है, मानवीय गतिविधि जैसे गंगा नदी पे आप देख सकते हो, वहीं पे शमशान घाट भी है, वहीं मनबूत कर रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है, तो ये एक कारण हो गया। जनसंख्या वृद्धि भी है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? किसने किया था? एनजीटी ने। किसने कहा था? एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पतंग उड़ाने वाले इस्तेमाल किए जाने वाले जो मांझा होता है को किसने प्रतिबंधित, मतलब रोक लगा दी थी? तो ये था हमारा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब क्यों लगा दी थी? क्योंकि इसने बोला था कि जो मांझा होता है वो ऐसी प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिससे कि ह्यूमन की जो स्किन होती है वो कट सकती है, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 22 सितंबर को, 22 सितंबर 1974 में हुई थी। किसकी हुई थी? केंद्रीय, इसको याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है वो, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन है? तो सर्वोच्च संगठन अभी हमने ऊपर जस्ट डिस्कस किया था, कौन सा था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय, जो कि सेंट्रल में होता है, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा, केंद्रीय सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, जो कि अभी था हमारा सर्वोच्च बोर्ड, में नामित किया जा सकता है? तो 5 लोगों को नामित किया जा सकता है। कितने लोगों को? 5 लोगों को, जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, सेक्शन 3 आप इसके लिए पढ़ सकते हो, वहां पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देख रहे हो, इससे 4 क्वेश्चन बन गए आपके इसी में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 4 बन गए हमारे इसी में, जो अभी हमने देखा, आगे कितने बनेंगे वो पता नहीं मेरे को, इसीलिए इंपॉर्टेंट, ये मस्ट है, आप पढ़ के जाना इसको। और ज्यादातर 80 से 90% के आप अगर हेड ऑफिस देखोगे तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर आप भूल भी जाओ कभी तो 80 से 90% के बीच में जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है सभी के, तो इसका भी कहाँ है? नई दिल्ली में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे में पड़े जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रजाति देखभाल इकाई में रखना क्या कहलाता है? तो इसने ये पूछा है, तो इसमें जो क्या कहलाता है, इसमें कहलाता है बाहरी संरक्षण। क्या कहलाता है? बाहरी संरक्षण, एक्साइट कन्वेंशन, एक्साइट कंजर्वेशन, सॉरी, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वन वन बोले तो फॉरेस्ट विषय को राज्य सूची से, यहां मैं की जगह से होना चाहिए, स्थानांतरित किया गया। जो हमारा फॉरेस्ट है वो टॉपिक हमारा पहले था राज्य सूची में, राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में दे दिया वो, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया हमारा, तो ये था 42वां, कौन सा 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उससे हमारे फॉरेस्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई वन्य जीव विलुप्त तो होने की कगार पर है, विलुप्त तो बोले तो एंड स्टेज, तो शिकार के कारण, शिकार तो देखो पहले जमाने में होती थी, अब कौन कर रहा है शिकार, अब कौन जा रहा जंगल में, जंगल है ही कहाँ वैसे भी जहाँ पे शिकार हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हटाई दो, मांस बच्चड़ के कारण, मांस बच्चड़ के कारण कमी हो सकती है लेकिन विलुप्त तो नहीं हो सकते, ठीक है। मांस बच्चड़ के कारण जो मांस खाते हैं लोग उसकी वजह से विलुप्त तो नहीं हो सकते बल्कि कम हो सकते हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन ये एक मेन कारण है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो विलुप्त तो होने की कगार पे है वो है जलवायु के कारण, ठीक है, आवासीय बर्बादी के कारण नहीं, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए हमारा, अगर ऑल ऑफ द अबव इसकी जगह होता तो वो हमारा ऑल ऑफ द अबव लगा देते हम, सभी सही हो जाते, लेकिन क्योंकि हमको इनमें से एक चूज करना है वो भी बेस्ट वाला, ठीक है, जो कगार पे पूछ रहा है, ये विलुप्त होने की कगार पे, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वरना शिकार के कारण भी लगा देते हम, क्योंकि ये भी एक कारण रहा था, अभी तो नहीं है, मांस बच्चड़ के कारण तो ये भी एक हो सकता है बहुत ही माइनर केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पक्षी ने हाल ही में वन्य जीव की महत्व को प्राप्त किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोले तो इंटरेस्टिंग है, तो ये है इंडियन वस्टर्ड, इंडियन वस्टर्ड यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तुगदर, तुगदर, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन, अब ये तो देखो आप सभी को पता ही होगा 2010 में हुआ था, कब हुआ था 2010 में, अब इसकी डेट भी बता सकते होगा, 2 जून 2010 में इसका इनेक्टमेंट हुआ था, एनफोर्समेंट डेट है इसकी 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 2014 में लॉन्च किया गया लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसारण उपकरण है, किसके बारे में 2014 में लॉन्च किया गया हो, लोगों को वायु की गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसारण उपकरण, तो कौन सा था वो, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी बी ऑप्शन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 2014 में लॉन्च हुआ था, किसके बारे में, वायु की गुणवत्ता के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसारण उपकरण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित दिन के समय ध्वनि, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा 55, ठीक है, 55 होता है दिन में, और रात के समय 45, रात के समय कितना 45 डीबी डेसिबल इसमें ध्वनि को मापा जाता है, ठीक है, तो दिन के समय इतने, और अगर बात की जाए 75 कहाँ पे होता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है 75 डेसिबल हो सकता है, ठीक है, 80 से ऊपर चला गया तो समझ लो नॉइस पोल्यूशन में वो इंक्लूड हो जाता है, और 65 में अगर बात की जाए तो ये कमर्शियल जो फील्ड होते हैं, कमर्शियल जगह होती हैं, वहाँ पे 65 डेसिबल हो सकता है, ठीक है, सभी का पता चल गया, इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ध्वनि मानक से अधिक होने पर शोर प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, तो अभी मैंने बताया 80 से ऊपर हो जाए तो नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवरों और पौधों का सबसे अधिक अच्छी तरह संरक्षित किया जा सकता है, देखो इंग्लिश में पढ़ के देखो इसको, एनिमल एंड प्लांट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड इन, तो कौन सी जगह पे, देखो चिड़ियाघर में भी होते हैं प्रोटेक्ट, और ये बोटेनिकल गार्डन में भी होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है बेस्ट इन ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट है हमारा सी, बेस्ट है हमारा सी, अभयारण्य एंड राष्ट्रीय उद्यान यानी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स,
सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है, तो सबसे अधिक पूछ रहा है ये, ठीक है, सबसे अधिक पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से। तो वायु द्वारा तो होता है, सभी को पता है, रेडियो धर्मी द्वारा भी होता है, लेकिन रसायनों द्वारा सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक किससे होता है, रसायनों द्वारा। और रसायनों में भी किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा सबसे ज्यादा जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रदूषक वर्षा जो पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारक बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो होती होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, तो ये सभी सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी में बोले तो जमीन के अंदर रहता है, जिसका उपयोग नहीं हो सकता, तो ये तो सभी को आपको पता होना चाहिए, जो पिन्नी होती है, जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो जमीन में चली जाए तो वो नष्ट नहीं होती, कितनी भी साल हो जाए उनको, ठीक है, और उनका कोई यूज भी नहीं होता, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बायो नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो उनको फिर भी जो है वो नष्ट नहीं होते अपने आप भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, G8 की 34वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, तो जापान में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे, टोक्यो में, कौन से सन में, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के कौन से दो घटक हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, विच इज द फॉलोइंग आर द टू कॉम्पोनेंट्स, कितने कॉम्पोनेंट, टू, अबायोटिक एनवायरमेंट, तो इसके देखो नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, इस चीज को पहले ही आप नोटिस कर लो, नाइट्रोजन देखो ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है, यानी ए और बी में से दोनों हो नहीं सकते, ठीक है। एयर भी होता है इसका कंपोनेंट, वाटर भी होता है, वाटर तो बता ही दिया, ऑक्सीजन भी होता है, लाइट भी होती है, क्लाइमेट भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी और डी दोनों सही हैं। अब ये मत कहना भाई कि सी और डी कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें से दो कॉम्पोनेंट पूछे हैं इसने, कितने पूछे हैं, दो, लेकिन होते तो हमारे ये चारों सही है ना, जल भी होता है, वायु भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो गई ना, क्योंकि हम इसको एनवायरमेंटल लॉ को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन को हटा के इसमें सी ऑप्शन लगाएंगे, यानी कि वायु भी लगाएंगे, जल भी लगाएंगे, इसीलिए आप, मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा लगाना चाहिए, सी लगाना चाहिए, वरना सही डी भी है यहाँ पे, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटर वाहनों के निकास पाइपों से, निकास पाइप क्या होते हैं, साइलेंसर से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैसों का मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी हैं, तो ये थे पर्यावरणविद, पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट, तो इनको ना पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, देखो इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में फुल दे रखा है, द पर्पस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज, तो इसका क्या पर्पस था, तो वन्य जीवों की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है, वन्य जीवों का आवास की रक्षा करना, ये भी सही है, तो वन्य जीवों के साथ मनुष्यों की रक्षा करना जो जंगल में रहते हैं, ये भी सही है, तो इसमें जो सबसे सही है, नीचे अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो वो लगा देते, लेकिन इसमें जो सबसे सही है वो है सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। वन्य जीवों के साथ मनुष्यों की रक्षा करना जो जंगल में रहते हैं, मतलब उनकी तो करेंगे ही जो वन में रहते हैं, जो जानवर वगैरह, लेकिन उनमें जो मनुष्य भी रहते हैं कुछ, उनकी भी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वन अधिनियम 1927 में सम्मिलित है, वन जो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, मेन चीज ये है इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें है देखो 86 तो धाराएं हैं इसमें, और चैप्टर कितने, चैप्टर है इसमें 13, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए वीडियो को यहीं शुरू समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, चलो इस क्वेश्चन को अब कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम छत्री विधायन के रूप में लोकप्रिय है, तो छत्री विधायन के रूप में लोकप्रिय कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये जो है छत्री अधिनियम, छत्री विधायन के रूप में भी लोकप्रिय है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए।
नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है मेरे को कमेंट करके बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।